हेलो दोस्तों, आशा पेट केयर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ऑस्कर की जो टाइगर ऑस्कर की थोड़ी सी कंडीशन ख़राब हो रही है, क्योंकि जो हमारी ये शॉर्ट बॉडी फ्लावर होने ये थोड़ी एग्रेसिव हो गई है और थोड़ी पैरट फिश भी इसके साथ एग्रेसिव हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये सामने मेरे देख रहे हैं शॉर्ट बॉडी फ्लावर ऑन, यही जो है इसके भी थोड़े से फिन लॉस हुए हैं, लेकिन हमारी जो ऑस्कर फिश हैं उसके कुछ ज़्यादा हुए हैं, थोड़ी एग्रेसिव हो गई है। पता नहीं अचानक ही थोड़ी एग्रेसिव हो गई है और इसने काफ़ी ज़्यादा ही जो छोटी ऑस्कर फिश थी टाइगर वाली उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचा दिया है और कुछ पैरट फिश ने भी मिलकर के रही सही कसर पूरी कर दी है। देख सकते हैं आपकी उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है कि उसने एक तरफ का पूरा स्केल पूरा बाहर निकाल दिया है और दूसरी तरफ से भी पूरी स्किन बाहर निकाल दी है। इसको देखते हैं किस तरीके से केयर करना है, कितने दिन में केयर होगा, लेकिन मैं आपको उसकी प्रॉपर केयरिंग दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इसको अलग कर लूँगा, अलग करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसको दो दिन सोच रहा हूँ, दो या तीन दिन कि मैं इसको कर रहा हूँ। थोड़ी अग्रेसिव हमारी टाइगर भी है कि अब काफ़ी ज़्यादा वो भी अग्रेसिव हो रही है, लेकिन वो शांत है अभी थोड़ी सी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी किसी बकेट वगैरह में निकाल करके एक दो दिन के लिए इसको रख दूँ। तो उसकी केयर तो मैं कर रहा हूँ, जो जनरल एड है दवाई आती है जो इनके जख्म वख्म के लिए और फंगस वाली, थोड़ी थोड़ी मैं इनको रफ कर रहा हूँ और वाटर चेंजिंग मैंने प्रॉपर कर दी है इसकी, एक बार क्लीन कर दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं वाटर क्लियर भी बिल्कुल सही है, हमें फिश की कंडीशन भी ठीक है, लेकिन जो ऑस्कर फिश है उसकी थोड़ी जो सेल्फ स्केल वगैरह है या स्किन है जो वो कुछ ज़्यादा ही दोनों तरफ से गायब कर दिया इसने, तो अब इसको अलग करेंगे। और जो हमारी जो शॉर्ट बॉडी फ्लावर होने और ये हमारी टैगर उसको देख सकते हैं, इसके उसका तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये थोड़ी एग्रेसिव है और वो कम थी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी तो थोड़ी बाहर आ रही है जो स्किन है, स्किल तो उसने पूरी की पूरी निकाल दी है, जो फिन वगैरह होते हैं थोड़े से, इसको भी थोड़ी चोट लगी है एक तरफ से, इसकी भी फिन वगैरह थोड़े से निकले हुए, लेकिन ज़्यादा जो चोट लगी है वो थोड़ी ऑस्कर फिश को ही लगी है। कोशिश कीजिएगा कि अपने टैंक में थोड़ी एग्रेसिव ना डालें, क्योंकि मैंने ये वेवी साइड डाले तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ही थोड़ी कैसे एग्रेसिव हो गई है, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि छोटी थी और वो बड़ी थी, एग्रेसिव का तो कोई चांस ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये एग्रेसिव हो गई है। हमारी कॉपर ऑस्कर देख सकते हैं ये भी बड़ी है और टाइगर ऑस्कर ये भी काफ़ी अच्छी है, इसको कुछ टच भी नहीं किया उसने। उसके बाद आकर के इसमें और हमारी पैरट फिश अपना पेयर बनाने के चक्कर में लग रही है, पेयर बनाने के चक्कर में लग रही है, और ये टाइगर ऑस्कर भी बिल्कुल अपना फूड के लिए। कई लोग सोचते होंगे कि मैं फूड क्यों डालता हूँ, फूड डालने से ये होता है कि आपको आपकी फिश की कंडीशन पता चल जाती है कि आपकी फिश कितनी अच्छी तरीके से उसमें स्विम कर रही है। देखिए इसके यहाँ पर ये देखिए, इसका तो कुछ फिन इसके भी गायब हो रहे हैं, लेकिन ये क्योर हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ ज़्यादा ही टाइगर के कुछ ज़्यादा ही गायब हो रहे हैं, वो पीछे की तरफ है। और इसकी आप स्किन पे देख सकते हो कि वाइट वाइट कलर का कुछ स्पॉट सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी स्किन गायब हो रही है, ये देखिए, क्योंकि आर पार हो गई है स्किन, इस वजह से इस पर वाइट वाइट स्पॉट पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही वैसी कंडीशन हो गई है इसकी। तो इसको निकाल करके फिलहाल हम करेंगे साइड, इसको आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे कि साइड करना है। फिलहाल आप देख लीजिए कि इसकी इतनी बुरी हालत है, अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें किस तरीके से इसका क्योर करना है। फिलहाल मैंने इसको तो देख लिया है, अभी निकालते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया कि इसमें अचानक ही कभी भी आपकी फिश एग्रेसिव हो जाती हैं तो फिर क्या करना है आपको। देखिए काफ़ी मेरे ख्याल से एक इंच का जो 10 का सिक्का होता है कॉइन, उसके बराबर साइज़ का है ये, दोनों तरफ के इसके फिन्स निकाल दिए हैं या स्किन जो भी कह सकते हो आप। ये देखिए इस तरफ से तो बिल्कुल मांस दिखाई दे रहा है इसका, अंदर से रेसे भी दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से है, जैसे कोई किसी मुर्गे को छील करके रख देता है, सेम वैसे ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितनी बुरी कंडीशन कर दी थी इसने, आपस में ही लड़का कर दिया, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा हार्म नहीं हुआ, बस इसके जो टेल के पास है यहाँ पर है, टेल के पास इसको दिक्कत आ रही है, बाकी तो और कहीं दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, आगे आने वाली अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए आशा पेट केयर।